हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड हब। आज हम बनाने जाएंगे राजस्थानी माठी। ये बहुत लोकप्रिय नाश्ता है। ये बना के स्टोर करके काफ़ी दिन के रखा जा सकता है। अगर आपने हमें अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द जाके लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें हमें। और चल चेक करते हैं हम इसके सामग्री। 1 किलो मैदा लेंगे, 220 ग्राम ऑयल या डालडा घी आप ले सकते हैं, आधा चम्मच नमक। मैदे में नमक डालेंगे माठी बनाने के लिए। फिर इसमें धीरे धीरे हम ऑयल या आप घी अगर लिए हैं डालडा घी तो वो डाल सकते हैं, और इसे धीरे धीरे मिक्स कर देंगे हम। इसे अच्छे से मिक्स करना बहुत जरूरी है, ये तो पता नहीं चलता है कि मोइन कहाँ है कहाँ नहीं है, कहाँ कम है कभी ज्यादा है। इसे मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको। क्वांटिटी आप कम बना रहे हैं तो कम टाइम में बन जाता है ये, तो क्वांटिटी अगर आपकी ज्यादा हो तो थोड़ा टाइम लगता है। मिक्स करते करते आप देख रहे हैं इसमें अभी काफी मोइन आ गया है। अब इसको हम टेस्ट करेंगे। ऐसा आप जानते हैं कैसे मैं टेस्ट करती हूँ। एक गोला बनाया, थोड़ा ऊपर से छोड़ा, एंड लाइक इट्स परफेक्ट। हमें सिंगाड़ा सा नहीं चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है ये। उसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, बिल्कुल एक संग पानी मत डालिएगा, बिल्कुल हमें इसका टाइट आटा चाहिएगा। थोड़ा पानी डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम इसे गूंद लेंगे डालते हुए। ये आप देख रहे हैं घुमा घुमा के इसे मिक्स कर रही हूँ, एक साथ ला रही हूँ। अगर थोड़ा सा पानी अगर ज्यादा होगा तो माठी आपकी टाइट नहीं बनेगी, आप स्टोर नहीं कर पाओगे। ये आटा अच्छे सन गया है, इसे हम 10 से 15 मिनट तक हम इसे रेस्ट देंगे। या देख सकते हैं काफी है टफ, काफी टाइट आटा लगाया हमने, और इसे हम 10 मिनट रेस्ट कर लेंगे। इसे मठारा अच्छे से लगाइएगा तो माठियां अच्छी ही बनेगी, फटी फटी बन जाएंगी। इसे हम 10 मिनट रेस्ट देंगे। 10 मिनट हो गए हैं इसे रेस्ट करते हुए, इसे हम एक बार फिर से मठार लेंगे अच्छे से। इसे हम वर्क स्टेशन में उतार लेते हैं, उतार के फिर स्केट में मठा देंगे। वर्क स्टेशन आपका बहुत क्लीन होना चाहिए। ये हो गया, उसके बाद में एक छोटी हम लोई तोड़ेंगे इसमें से, इतनी बड़ी करीबन। उसको हम इसको अंदर की तरफ धकेलते हुए इस तरह से करते हुए इसे हम बंद कर लेंगे, एक पेड़ी बना लेंगे इस तरह से करेंगे, और ये पेड़ी बन चुकी है। देख लो क्लीन पेड़ी बन गई है, इस तरह से हम सारी पेड़ी बना लेंगे। बाकी पेड़ियों को हम ढक के रख देंगे, एक से हम काम करेंगे। इस तरह से लेंगे इसको और इसे हम बेलेंगे। इक्वली बेलनी चाहिए, गोल बेलनी चाहिए। ये ट्रैवलिंग के टाइम पे या स्नैक्स के लिए या टिफिन के लिए बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप बना के इसे रख दें और ये काफी महीनों खराब नहीं होते हैं एट एट कंटेनर्स में। अब ये ध्यान रखें कि चारों तरफ से ये इक्वली बिले, कहीं से मोटा पतला ना रहे, इस तरह से इतना थिकनेस रहना चाहिए इसका।
हाफ सेंटीमीटर करीबन। इसे हम डिजाइन बनाएंगे। ये आप देखिए, ये दोनों उंगली लीजिएगा, यहाँ पे ये इस तरह से यहां से ये निकाल देंगे। ये देखिए, मैं फिर दिखा रही हूँ, ये लेंगे, ये यहाँ पे इस तरह से इसको यू कर देंगे। तो इस तरह से आप करते हुए चारों तरफ आप करिएगा। इसको ये लेकर यहाँ पे इसको अंगूठे को प्रेस करते हुए इस तरह से आगे को बढ़ाना है, तो ये डिजाइन बन जाएगा इस तरह से। ये बन गई है। अब इसके अंदर में हम जैसे हम किसी को चिमटी काटते हैं, उसी तरह से हम करके इसे में डिजाइन बनाएंगे। अब डिजाइन अपनी मनपसंद की बना सकते हैं इस तरह से करते हुए। ये देखिए, चिमटी हमने काटी है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से हम इस पर डिजाइन बना देंगे। आप कुछ भी अपने मन चाहे डिजाइन बना सकते हैं, किसी का नाम लिख सकते हैं, या कुछ भी जो भी आपें बनाना है ये आप बना सकते हैं। और उसके बाद में ये फूले ना जब फ्राई करेंगे हम, इसके लिए हम इसे थोड़ा सा फोक की मदद से, कांटे की मदद से इसे छेद कर लेंगे। इस तरह से सारे अपने माठी बना लेंगे। एक और दिखा रही हूं, इसे भी आप देखिए ध्यान से। इसको यहां से लेंगे यू, और इसको यहां से ऐसे निकाल देंगे यू। इस तरह से हम चारों तरफ कर लेंगे इसके। देख रहे हैं, बहुत अच्छी डिजाइन बन रही है। इसी तरह से हम पूरे चारों तरफ कर लेंगे, इस तरह से घुमाएंगे, घुमा के बना लेंगे। इस तरह से फिर हम बीच में डिजाइन बना लेंगे। मैं एक और डिजाइन दिखाती हूँ आपको। अपने मनपसंद डिजाइन आप बना सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। ये रेडी है। इस तरह से हम सारे अपने माठी बना लेंगे। कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है तलने के लिए। अब इसमें हम एक एक करके इसे माठी को डालेंगे। ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का, देखिए डालते के समय हल्का हल्का बबल जा रहा, बस ही रहना चाहिए। एक बार में इसमें 5 से 6 जा सकता है, इसे ज्यादा ना इसे फ्राई करें। जैसे सिकता जाएगा फसल से ये ऊपर आते जा रहा है, तब इसे सिकने दीजिए। मीडियम लो फ्लेम में सिकेगा ये। इसे अभी कुछ ना करें, ऐसे ही ऊपर आ गया है फ्लोट होकर, ऐसे सिकने दीजिए। इसे ध्यान से पलटते रहेंगे, और ये सिक भी गए हैं काफी, हल्का गुलाबी होने तक हम सेकेंगे इसे, बेसी सेकेंगे नहीं हम। जो सिक गए थोड़ा बहुत, इसे हम निकाल देंगे। जो सिक गए इसे मेकिंग करके निकालते जाएंगे, चेक कर लेंगे, निकालेंगे। ऐसे हम टिश्यू पेपर पे इसे निकाल लेंगे, जिससे एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए सारा। और ठंडा होने के बाद इसे हम डब्बे में भर के रख सकते हैं,
महीनों ये खराब नहीं होते। एक पाव सिक गया है हमारा, अब हम नेक्स्ट पाव को डालेंगे। इसे भी हम 5 से 6 डालेंगे। अब देख रहे हैं एकदम मीडियम में है, ज्यादा तेज में कभी ना डालें तो खराब हो जाएगी माठी। इसे भी हम सिकने देंगे। माठी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनी है, ये आप देख सकते हैं अंदर से बिल्कुल सिक गई है, एकदम क्रिस्पी बनी है और इसे आप स्टोर करके महीनों खा सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।